हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा फेस पैक जिससे आपकी स्किन पर आएगी एक लालिमा, यानी आपके गाल पिंकिश ग्लो करेंगे। इस फेस पैक के यूज़ से आपके एक्ने रिड्यूस होंगे, सन टैन रिमूव होगा, स्किन टोन लाइट होगी। ये फेस पैक अपने एंटी ऑक्सीडेंट गुणों की वजह से आपकी स्किन को जवान बनाएगा, जिससे आपकी स्किन टाइट होगी, हेल्थी होगी, पोर्स भी रिड्यूस होंगे। साथ ही ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, यानी आपकी स्किन को साफ करेगा, कोमल बनाएगा। ये फेस पैक आप जैसे जैसे यूज़ करोगे वैसे वैसे ही आपकी स्किन पर ग्लो आने लगेगा। इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है चुकंदर। चुकंदर में आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ और भी चीज़ें मिक्स करके, ताकि ये चुकंदर का जो बेनिफिट है आप इसका और भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट पा सको। तो दोस्तों, इस रेमेडी को देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल सना आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले ही चुकंदर का रस निकाल के रख लिया है। ये मेरा 100 ml का रस निकल चुका है। चुकंदर में आयरन, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन पर ग्लो लाने में मदद करते हैं, और ये डार्क आई सर्कल और पफनेस को भी दूर करने में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। सेकंड मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ शहद यानी हनी। ये हमारी स्किन को काफ़ी अच्छा माना जाता है, मुहासों को रिड्यूस करता है, सन टैन को रिमूव करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करने में इसका काफ़ी अच्छा हाथ होता है। ये हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाता है, बेबी सॉफ्ट नज़र आती है इसके यूज़ से हमारी स्किन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ताजे नींबू का रस। इसमें विटामिन सी होता है, जो स्किन पर चमक लाता है, सन टैन को रिमूव करता है। ये एक एंटी बैक्टीरिया के रूप में काम करता है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करके मुहासों को ख़त्म करता है, और साथ ही मुहासों के निशान को भी कम करने में इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अब आपको सारी चीज़ों को आपस में मिला लेना है। 100 ml जूस के अंदर, चुकंदर के जूस के अंदर आपको 2 चम्मच हनी डालना है। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच हनी डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पे डालना है लेमन का जूस। यहाँ पे आपको नींबू के जूस को 2 चम्मच यूज़ करना है। आपको लेमन के जो बीज होते हैं उन्हें साइड कर देना है। सिर्फ आपको यहाँ पर जूस डालना है। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया। अब ये 2nd चम्मच है, यानी दूसरा चम्मच मैं डाल देती हूँ। आधे लेमन में आपका 2 चम्मच आराम से जूस निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसलिए मैं इसे बाउल में डाल देती हूँ, ताकि इसे मिलाने में आसानी हो। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें जो हनी हमने डाला है, जो लेमन हमने डाला है, वो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप इसे आपस में अच्छे से मिला लीजिए, और जब ये आपस में अच्छे से मिल जाए तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो वो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे लेना है खाली बाउल, फिर उसके अंदर आपको डालना है बेसन। यहाँ पे आपको 1 चम्मच बेसन लेना है। फिर 1 चम्मच बेसन में आपको यहाँ पर वही डालना है लिक्विड जो हमने बनाया था। इस लिक्विड का यूज़ आप ऐसे ही करेंगे, आप इसे फ्रीज में रख दें। जब आपको फेस पैक बनाना हो तो आप बेसन लें और उसके साथ इसे मिक्स कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाला है। अब मैं इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपको जितना थिक रखना है आप उतना कम डाल सकते हो, आपको जितना पतला बनाना है आप उतना ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से डालोगे। यहाँ पे मेरा 2 चम्मच में ही काम हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बेसन की हल्की हल्की गांठें हैं वो स्मूथ बन जाएँ और इसे लगने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। जब ये मिल जाएगा तो आपको ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। आपको इसको लगाना कैसे है वो देख लीजिए। आपको अपने फेस को वॉश करना है। जैसे ही मैंने अपने हाथ को वॉश किया है, फिर कॉटन से पोंछ लेना है। फिर उसके बाद आपको ये फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप इसे फेस और नेक पे भी लगा सकते हो। तो सेम ऐसे ही जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे ही आप अपने फेस पे लगा लीजिए।
और फिर उसके बाद आपको इसे 20 से 25 मिनट लगा रहने देना है। और आप पूछोगे इसे मैं वीक में कितनी बार यूज़ करूँ, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसे वीक में 2 या 3 टाइम्स यूज़ करना है और 20 से 25 मिनट बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसका धीरे धीरे ऐसे ही यूज़ करते हो, आपको 1 मंथ में आपकी स्किन में काफ़ी अंतर नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों इसका यूज़ करिए और इसका बेनिफिट उठाइए और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों आज की रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और जाते जाते दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।